हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन और आज के वीडियो में हम आधार कार्ड डाउनलोड करने का न्यू प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं। न्यू प्रोसेस के माध्यम से कैसे आप अपना आधार कार्ड बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही आपके आधार कार्ड में आपका कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है इसके बारे में भी कैसे आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा आपका आधार कार्ड आपके किस बैंक अकाउंट नंबर से लिंक है इनके बारे में भी इसी वीडियो में डिटेल जानकारी दिया जाएगा, अतएव आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, आधार संबंधित सभी डिटेल को पाने के लिए आपको इसके ऑफिशियल साइट uidai.gov.in पे आना होगा। फ्रेंड्स, जैसे ही यहाँ पे आते हैं आपको यहाँ पे एक टैब मिलेगा माई आधार के नाम से, आपको इसी टैब के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पे डाउनलोड आधार पर क्लिक करना होगा। जैसे ही डाउनलोड आधार पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। फ्रेंड्स, आप अपना आधार कार्ड तीन तरीका से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला तरीका आधार नंबर से। फ्रेंड्स, यदि आपको आधार नंबर मालूम है तो आप यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और ये कैप्चा जो है इस जगह इंटर कर देंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे और आपके नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे डालने के बाद आप अपना आधार कार्ड बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है एनरोलमेंट आईडी के माध्यम से आप अपना आधार कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए आधार सेंटर पर जाते हैं तो आधार कार्ड बनाने के पश्चात आपको एक स्लिप दिया जाता है। उस स्लिप के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ रहता है उसे एनरोलमेंट आईडी कहा जाता है, जो 14 अंकों का होता है। उसे आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे डाल देने के बाद आपको इस जगह जो है डेट डाल देना है और उसके बाद ये जो कैप्चा देख रहे हैं ये कैप्चा आपको इस जगह डाल देना है। उसके बाद जो है सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड जो है डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा जो है वर्चुअल आईडी कार्ड के माध्यम से भी फ्रेंड्स आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वर्चुअल आईडी कार्ड आपके न्यू आधार कार्ड जो डाउनलोड किए होंगे उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ रहता है, जो 16 अंकों का होता है। चलिए, आज के वीडियो में हम आधार नंबर से अपना आधार कार्ड डाउनलोड करके बताते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे अपना आधार नंबर जो है इंटर कर देंगे। जैसे ही फ्रेंड्स हम अपना आधार नंबर इंटर कर देते हैं, हमको जो है नीचे जो कैप्चा देख रहे हैं वो कैप्चा जो है इस जगह इंटर करना होगा। तो चलिए अपना कैप्चा जो है यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स हम अपना कैप्चा यहाँ पे इंटर कर देते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है आई वांट अ मास्क आधार। यदि आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका जो आधार कार्ड डाउनलोड होगा उसमें जो है आपका आधार नंबर टोटल दिखाई नहीं देगा, अतएव इस पर आप जो है क्लिक न कीजिए और यहाँ पे सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे ही सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं आपके जो है मोबाइल में एक ओटीपी भेजा जाता है, जिस ओटीपी को यहाँ डालने के बाद आप जो है आसानी से अपना आधार कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अपना यहाँ पे ओटीपी डाल देंगे, 6651 86 मेरा जो है ओटीपी है। तो यहाँ पे हम अपना ओटीपी डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे कुछ सवाल पूछा जाता है कि आपको आधार एनरोलमेंट कितना दिन पहले करवाए थे। तो आप यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन चुन सकते हैं, यहाँ से भी कोई भी ऑप्शन एक चुन सकते हैं। सभी ऑप्शन में आपको कोई एक को सिलेक्ट कर लेना होगा। जितना भी आपको ऑप्शन यहाँ दिया जाता है उसमें से कोई एक को सिलेक्ट कर लेना है। बारी बारी से सभी को सिलेक्ट कर लें। फ्रेंड्स, जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद नीचे जो है आपको वेरीफाई एंड डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। फ्रेंड्स, जैसे ही वेरीफाई एंड डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं आपका जो है आधार कार्ड नीचे डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। फ्रेंड्स, इस आधार को ओपन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा और ओपन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही फ्रेंड्स ओपन पर क्लिक करते हैं आपको आधार कार्ड का यहाँ पासवर्ड पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका नाम का पहला 4 डिजिट जो है कैपिटल में डाल देना है और जो भी ईस्वी में आपका जन्म हुआ है वो ईस्वी यहाँ पे डाल देने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड जो है ओपन हो जाएगा। तो देख रहे हैं हमारा आधार कार्ड जो है ओपन हो चुका है। इस प्रकार बड़े आसानी से आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी पर क्लिक करेंगे और जो है आप प्रिंट कर सकते हैं। चूंकि हमें इसे सेव करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ चेंज पर क्लिक करेंगे, सेव एज पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है आधार कार्ड जो है सेव हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार यदि आप अपना आधार कार्ड सेव करते हैं तो आपके आधार कार्ड से पासवर्ड हट जाता है। आप उसे दोबारा ओपन करेंगे तो पासवर्ड नहीं मांगेगा। जैसे कि आपको हम एक बार ओपन करके दिखा देते हैं। जैसे ये मेरा आधार कार्ड है, इसे यदि हम ओपन करेंगे तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं हमसे यहाँ पे पासवर्ड नहीं मांगा है।
आप फ्रेंड्स जान लेते हैं कि आप कैसे जान पाएंगे कि आपका आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है। इसके लिए आपको फिर से माय आधार पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप देखेंगे आधार सर्विसेज में वेरीफाई एंड आधार नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी आधार नंबर है उसे इंटर कर देना होगा। जब फ्रेंड्स आप अपना आधार नंबर इंटर कर देते हैं तो नीचे जो कैप्चा देख रहे हैं वो कैप्चा यहाँ पे इंटर कर देना होगा। कैप्चा इंटर करने के बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि आपका जो आधार नंबर है उसमें कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है। मोबाइल नंबर का लास्ट का 3 डिजिट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इससे ये पता चल जाएगा कि आपका जो है ये मोबाइल नंबर आपके आधार से रजिस्टर है। फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड किस बैंक अकाउंट नंबर से लिंक है तो इसके लिए फिर से आपको आना होगा माय आधार के ऑप्शन पर और यहाँ पे आधार सर्विसेज के नीचे आएंगे तो चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस जो लिखा हुआ है आपको इसी के ऊपर क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है और ये कैप्चा जो है यहाँ पे डाल के सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है और आपके मोबाइल में जो ओटीपी आएगा उसे यहाँ पे इंटर कर देना है। तो चलिए हम पहले अपना आधार नंबर यहाँ पे इंटर कर फ्रेंड्स अपना आधार नंबर हमने इंटर कर दिया और ये जो कैप्चा है ये कैप्चा इंटर करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे हमारे नंबर पर एक एसएमएस आएगा। तो फ्रेंड्स हमारे नंबर पर एक एसएमएस जो है आ चुका है और एसएमएस में जो ओटीपी दिया गया है वो है 3489-16। तो हम यहाँ पे 3489-16 इंटर कर देंगे और उसके बाद यहाँ लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स जैसे ही हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं हमारा यहाँ पे बता दिया जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन योर बैंक आधार मैपिंग हैज बीन डन और हमारा जो भी बैंक से आधार नंबर जुड़ा हुआ है वो बैंक का नाम आपको यहाँ पे नीचे में मिल जाएगा। इस प्रकार बड़े आसानी से फ्रेंड्स आप आधार संबंधी डिटेल को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।